राहुल जी यहाँ पे। राहुल जी, प्रणय उपाध्याय एबीपी न्यूज से। मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला तो ये कि जिस राज्य से आप संसद पहुंचते हैं चुन के, उस राज्य में महागठबंधन की कोशिशों को झटका लगने के बाद, क्या आप अब भी स्थानीय स्तर पर गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे राज्यों में और अलग अलग, या तीन राज्यों में मिली जीत के बाद अब आप कांग्रेस को अकेले चुनाव के मैदान में ले जाने पर ज्यादा जोर देंगे? और दूसरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री ने आज कहा कि चौकीदार अपना काम कर रहा है इसलिए लोग गाली गलौज पे उतर रहे हैं, इस कमेंट का आप कैसे जवाब देंगे? चौकीदार अपना काम कर रहा है मतलब चौकीदार चोरी कर रहा है, कमाल का चौकीदार है, पूरा देश जानता है। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी शुरुआत हुई है, अभी ट्रेलर दिखा है, मगर राफेल की जो सच्चाई है, डीमोनेटाइजेशन की जो सच्चाई है, जैसे ही लोगों को वो सच्चाई दिखाई देगी, फिर चौकीदार की बात सुनेंगे। ठीक है, जहां, और वो होने वाला है, उससे कोई बच नहीं सकता, सच्चाई से कोई बच नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी सच्चाई से नहीं बच सकते हैं, सच्चाई उनको भी मालूम है। राफेल में उन्होंने क्या किया मालूम है, पूरे देश को मालूम है, और वो साबित हो जाएगा, मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं। यूपी का मैंने जवाब दे दिया, यूपी में गठबंधन हुआ है, उन्होंने निर्णय लिया है, उनकी चॉइस है, मगर अब हमें भी यूपी में एक्शन लेना है, हमें भी चुनाव स्ट्रेंथ से लड़ना है, एग्रेशन से लड़ना है, और वो हम करेंगे, और नतीजा लोगों को सरप्राइज करेगा। अच्छा, वहां नहीं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिचुएशन है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, झारखंड में, बिहार में, बाकी स्टेट्स में गठबंधन काफी इफेक्टिवली सील हो रहे हैं एक के बाद एक, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में मैं उसको सेटबैक नहीं कहूंगा, क्योंकि वो चाहे मायावती जी और मुलायम और अखिलेश जी अलायंस करें, चाहे हम तीनों एक साथ करें, बीजेपी की सीटें नहीं आने वाली वहां पे।